यहाँ पर इम्प्लॉयज के नाम है, ये राम है, ये श्याम है, ये राज है, सचिन है, महेश है और जीवा नाम की कोई स्टाफ है, ठीक है। यहाँ इनकी पोस्ट भी लिखी हुई है, कोई कैशियर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई मैनेजर है, कोई ऑफिस स्टाफ है, कोई पियोन है, ठीक है, और कोई कैशियर है। तो यहाँ पे दो बार कैशियर का यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे सैलरी दी गई है। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं। कहां से कन्वर्ट करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो ये परसेंटेज जो शाइन लगा हुआ है यहाँ पे किनारे, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेट करेंसी, तो यहीं पे क्लिक कर देंगे और हमें इंडियन फॉर्मेट रखना है रुपीज वाला। तो देखो बाय डिफॉल्ट यही है, दिख रहा है ये रुपया का सिंबल बना हुआ है ना, तो यहां पर अगर इसको लगा देते हैं तो सबके पहले रुपया ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आ गया। अब यहां पर इफ के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं इंसेंटिव, ठीक है। तो यहां पर लगाएंगे इफ, यदि ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कहेंगे अगर इस स्टाफ की जो जो कि राम है, जो कि जो इसका पोस्ट क्या है, कैशियर है, ये कैशियर है, अगर इनकी सैलरी, अब सैलरी को हमने सेलेक्ट कर लिया, सैलरी किसमें है, D3 में, ज्यादा हो, बड़े, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़े का निशान है, ठीक है, बड़ा हो या बराबर हो 50,000 के, क्या कहेंगे 50,000, 50,000, 50,000 कर दिया, कॉमा दे देंगे। अगर इनकी सैलरी बड़ी हो या बराबर हो, इफ जो है कंडीशन देने के लिए, कई कंडीशंस लगा सकते हैं, एक इफ भी दे सकते हैं, एक इफ में दो कंडीशन होती है, एक ट्रू की दूसरी फॉल्स की। तो फिलहाल यहां पर हम एक से ज्यादा कंडीशन देंगे तो हम एक से ज्यादा इफ यूज करेंगे। देखो एक फॉर्मूले के अंदर फिर वही फॉर्मूला यूज किया जाए, मतलब फॉर्मूले के अंदर वही फॉर्मूला यूज किया जाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं नेस्टेड, नेस्टेड क्या बोलते हैं, NSTED, नेस्टेड फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर हमने 50,000 कर दिया। अगर इनकी सैलरी है, नहीं है या नहीं है इससे हमें मतलब नहीं है, हम सिर्फ क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, D3 में रखी हुई वैल्यू बराबर हो या बड़ी हो, किससे, 50,000 से, ठीक है। तो यहां पर इंसेंटिव का क्या परसेंट आ जाए, क्या परसेंट आ जाए, यहां पर हम लिख देते हैं डबल एटेड कोर्ट्स में 2%, लिख दिया 2%, ठीक है, ये लिख दिया 2%, समझ में आ रहा है, कॉमा देंगे। फिर यहां पे इफ लगाते हैं, यानी इफ के अंदर फिर इफ लगाया, इसे कहेंगे नेस्टेड इफ, क्या कहेंगे, और इस तरह के फॉर्मूले को क्या बोलेंगे, नेस्टेड फॉर्मूला, ठीक है। फिर इसी को सेलेक्ट करेंगे, इसी क्राइटेरिया पर ये सेट होता चला जाएगा। फिर सेलेक्ट किया, दोबारा हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट किया, यहां पे आ रहा है लिखा हुआ, देखिए आ रहा है ना। तो ये D3 में रखी हुई वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो, अब कहेंगे ये 40,000 से बड़ी हो या बराबर हो, ठीक है। तो कितना परसेंट इंसेंटिव मिलेगा, तब 1.5, ठीक है, कितना मिलेगा 1.5, तो यहां पे टाइप कर देते हैं 1.5, ये टाइप कर दिया हमने, कॉमा देंगे। फिर हम इफ लगाते हैं, इफ में दो ही कंडीशन होती है, या तो ट्रू की या तो फॉल्स की, लेकिन हम लगा रहे हैं एक से ज्यादा इफ, ठीक है। देखो अभी तक हम तीसरा इफ यूज करने वाले हैं, तो जब एंड होगा तो एंड में दो कंडीशन देनी होगी, अभी हम नेस्टेड यूज कर रहे हैं तो इसलिए सिंगल कंडीशन लेके चल रहे हैं। जब हम इसको एंड करेंगे तो एक से अधिक कंडीशन हमें देनी होगी, यानी दो कंडीशन, इफ में दो ही कंडीशन होती है, ट्रू या फॉल्स की, ठीक है। फिर यहां इफ कहा मैंने, अगर सैलरी 20,000 के बराबर हो, ठीक है, ध्यान देना किसकी सैलरी, यहां पर रखी हुई सैलरी, D3 में रखी हुई सैलरी, हर बार D3 को सेलेक्ट कर रहे हैं, बड़ी हो या बराबर हो 20,000 के, किसके 20,000 के, तो क्या हो जाए, कितना परसेंट इंसेंटिव मिलेगा, तब मिलेगा 1%, तो क्या दे देंगे, सीधा सीधा लिख देंगे 1%, इस तरीके से परसेंट, ओके, ये हो गया, बंद करेंगे इसको। और अगर इन सब में से कोई भी सैलरी ना मिलती हो तो उन्हें कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा, सैलरी अगर इन सब में से कोई भी कंडीशन टैली ना करे तो उनको इंसेंटिव मिलेगा कितना, जीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यानी कितना इफ लगाया हमने, काउंट करो, ये पहला इफ हो गया, ये दूसरा इफ हो गया, ये तीसरा इफ हो गया, यानी तीन ब्रैकेट्स क्लोज करने हैं। लास्ट में दो कंडीशन हमने दी है, देखो ये इफ दिया, D3 में रखी हुई वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 20,000 के, तो यहां पर 1%, अन्यथा इन सब में से कोई भी कंडीशन टैली ना करे तो क्या हो जाए, जीरो मिले। तो यहां पर देखिए क्या आता है, 1.5 आ गया ऑटोमेटिकली, आया कि नहीं आया, आया, क्योंकि 40,000 सैलरी है तो 1.5 आ गया। अब यहां से हम इसको ड्रैग करवाते हैं, ये ड्रैग करवाया हमने, तो ड्रैग करवाएंगे तो देखेंगे यहां पे 1.5 आया है, यहां पे 1.5 आया, यहां पे 2% आ गया है, क्योंकि ब्रांच मैनेजर की सैलरी
50,000 है, हमने कंडीशन में दिया था मोर देन 50,000 या बराबर भी हो 50,000 के तो भी 2% इंसेंटिव मिलेगा। और यहां पे सैलरी 20,000 से कम है, 19,000 है, तो इनको क्या मिलेगा, 0% मिलेगा इंसेंटिव। तो इस तरह से आप कंडीशन दे सकती हैं, समझ में आया, ठीक है।